नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों, हम आज एक नया वीडियो ले आए हैं और आज का हमारा वीडियो है तीन टॉपिक्स पर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इन तीन टॉपिक्स में से पहला टॉपिक जो है वो है हमारा टेस्ट क्रॉस। आज सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इसका टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है और मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस में एक संकर संकरण और द्वि संकर संकरण में इसका रेशियो क्या प्राप्त होता है। वहीं पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि पूर्व संकरण या बैक क्रॉस क्या होता है और ये क्यों किया जाता है और इसके रिजल्ट क्या होते हैं। वहीं पर तीसरी चीज जो हम जानेंगे वो जानेंगे आज रेसिप्रोकल क्रॉस या व्यतिक्रम क्रॉस क्या है और ये क्यों किया जाता है। तो चलिए, आज हम सबसे पहले हम जानते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। इसको सरल शब्दों में कहें तो F1 जनरेशन का उसके रिसेसिव पेरेंट्स के साथ संकरण टेस्ट क्रॉस कहलाता है। अगर हम इसको बहुत ही सरल शब्दों में बात करें तो F1 जनरेशन का उसके अप्रभावी रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण कहलाता है। टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है? टेस्ट क्रॉस इसलिए किया जाता है ताकि यह जान सके कि इसके जो पूर्वज हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, होमोजाइगस हैं या हेटरोजाइगस वाले हैं। ठीक है, इसका परीक्षण क्यों किया जाता है भाई? समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी है, इसका पता लगाने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। यहां पर मैं लिख दू कि क्यों करते हैं भाई ये टेस्ट क्रॉस, ताकि पता लगाने के लिए कि जो जनक हैं वो कैसे हैं, समयुग्मजी हैं, होमोजाइगस हैं या हेटरोजाइगस हैं। समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी है। चलिए जरा इसका देखें, रिजल्ट देखें। और देखिए, यहां पर मैं दो चीजें आपको बता देना चाह रहा हूं कि अगर मान के चलिए हम मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कराते हैं तब इसका जो अनुपात है, रिजल्ट जो है 1:1 प्राप्त होता है। वहीं पर जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तब ऐसी अवस्था में इसका अनुपात जो है 1:1 प्राप्त होता है। तो चलिए जरा देखें कि क्या वास्तव में ये रिजल्ट प्राप्त होते हैं। मान के चलिए कि एक लंबा पौधा है, उसका संकरण जो है बौने पौधे के साथ कराया जाता है। किसके साथ करा रहे हैं भाई? बौना पौधा है उसके साथ इसका जो है वो संकरण कराते हैं। यहां पर लंबे पौधे का जो जीनोटाइप है वो हम कैपिटल टी लिख देते हैं। वहीं पर बौने पौधे का जो जीनोटाइप है वह स्मॉल टी लिख देते हैं। ये क्या हो गए? ये हो गए आपके पेरेंट्स। अगर आप इनके देखें तो यहां से केवल एक ही टाइप के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी। यहां पर जो है ये भी एक ही प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, स्मॉल टी। जब दोनों आपस में मिलेंगे तब ऐसी अवस्था में कैपिटल स्मॉल टी वाले संकर लंबे पौधे का निर्माण होगा। तो यहां पर हमने लिख दिया संकर लंबा पौधा और ये यहां पर ये क्या हो गए भाई? ये गैमेट्स हो गए, ये हो गए F1 जनरेशन। जब F1 जनरेशन का संकरण उसके रिसेसिव पेरेंट्स के साथ कराया जाता है तो क्या परिणाम होते हैं उसको हम देखें। अगर यहां पर इसको हम F1 जनरेशन को इस साइड लिख देते हैं और यहां पर हम लिख देते हैं इसका संकरण किसके साथ कराया जा रहा है भाई? रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। और यहां पर रिसेसिव पेरेंट्स कौन सा है? बौना पौधा।
स्मॉल टी टी, तो हमने यहां पर ले लिया स्मॉल टी टी। बौना पौधा यहां पर हम लिख देते हैं टेस्ट क्रॉस। जब हमने यहां पर देखिए गैमेट्स कितने प्रकार से बनेंगे, यहां पर गैमेट्स दो प्रकार से बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन बौने पौधे से गैमेट्स हमको केवल एक ही प्रकार के गैमेट्स प्राप्त होंगे, मतलब केवल स्मॉल टी वाले। जब इनको आपस में मिला दें तो इनको जब हम आपस में मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। वहीं पर इसको अगर आपस में मिला दें तो स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहां पर हमारे को जो परिणाम प्राप्त हुए वो परिणाम का रेशियो क्या है भाई, वहां पर आप देख सकते हैं कि जो लंबे पौधा है संकर लंबा पौधा, संकर लंबा पौधा यहां पर 50% प्राप्त हुए हैं। वहीं पर बौना पौधा जो शुद्ध बौना पौधा है वो कितने प्रतिशत प्राप्त हुए, 50% प्राप्त हुए। अतः इनका अनुपात जो है वह अनुपात क्या हुआ, 1:1 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसका टेस्ट क्रॉस कराने पर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस कराने पर जो अनुपात प्राप्त होता है वो कितना होता है, 1:1 प्राप्त होता है। वहीं पर अगर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस को ले, डाईहाइब्रिड क्रॉस को लेकर देखते हैं, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस को हम यहां दूसरे तरफ ले लेते हैं और हम क्या ले रहे हैं कि एक लंबा पौधा है और गोल बीज वाला पौधा है, एक लंबा तथा गोल बीज वाला पौधा है, इसको हम ले लेते हैं कैपिटल टी और कैपिटल आर का जो संकरण है वो बौने पौधे, बौना पौधा, बौना तथा झुर्रीदार बीज के साथ कराते हैं, रिंकल बीज के साथ कराते हैं, झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ कराते हैं। ये हो गया आपका पेरेंट्स। तो यहां पर हमने लिख लिया स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। अगर यहां से हम इसके गैमेट्स निकाले तो कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल आर, यहां से निकाले तो स्मॉल टी स्मॉल आर। इन दोनों को आपस में मिला दिए, जब इन दोनों को आपस में मिलाए तो क्या हुआ भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अर्थात यहां पर जो संतान बनी है F1 जेनरेशन में जो संतान बनी है वह संतान कैसी है भाई, यहां पर हम इसको गैमेट्स लिख देते हैं, कैसी बनी भाई, लंबे लंबा तथा गोल बीज वाले पौधे का निर्माण हुआ। गोल बीज वाले पौधे का निर्माण जब इसका संकरण उसके रेसेसिव जनक से कराते, रेसेसिव जनक अर्थात यहां पर हम इसका क्या ले लेते हैं, टेस्ट्रॉस कराते हैं। टेस्ट्रॉस में स्मॉल टी स्मॉल आर यहां पर ये, तो यहां से हमको कितने प्रकार के गैमेट प्राप्त होंगे वो देख लें, कैपिटल टी कैपिटल आर, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखें तो कैपिटल टी स्मॉल आर, दूसरे तरफ अगर देखें तो यहां पर क्या प्राप्त होंगे, स्मॉल टी कैपिटल आर। एक और देखें तो यहां पर हम देखते हैं स्मॉल टी स्मॉल आर। तो ये चार प्रकार से यहां पर गैमेट प्राप्त होंगे। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें तो यहां से केवल हमको एक ही प्रकार के गैमेट प्राप्त होंगे, स्मॉल टी स्मॉल आर। तो चलिए इनका आपस में संकरण कराए तो क्या प्राप्त हो रहे हैं भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। संतान कैसे बनी भाई, यहां पर आप देख लीजिए ये बनी संतान जो है लंबे तथा गोल बीज वाली संतान बनी। वहीं पर इसकी अगर हम बात करें
कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, मतलब ये लंबा पौधा तो है लेकिन इसके बीज कैसे हैं, झुर्रीदार है। वहीं पर दूसरी तरफ जाएं, एक और संतान की बात करें, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, अर्थात ये पौधा कैसा बना है भाई, बौना पौधा है लेकिन इसके जो बीज है वो गोल बीज है। वहीं पर यहां पर दूसरे एक और देखें, यहां पर क्या बना है, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल, अर्थात ये पौधा कैसा बना है, बौना पौधा होने के साथ साथ यह झुर्रीदार बीज वाला है। तो यहां पर हमने क्या देखा, ये कैसा पौधा भाई, लंबा गोल बीज वाला है, ये कैसा है, लंबा है लेकिन झुर्रीदार बीज वाला है, रिंकल बीज। इसकी देखें ये कैसा है, बौना पौधा है लेकिन इसका जो बीज है वो कैसा है, गोल है। वहीं पर चौथा देखिए, ये कैसा है, बौना पौधा होने के साथ साथ बीज कैसे हैं, वह झुर्रीदार बीज है। तो इनका अनुपात क्या हुआ भाई, ये एक 25% 25% 25% 25%, अर्थात इनका जो अनुपात है कितना प्राप्त हुआ, यहां पर आप देख ले, एक अनुपात एक अनुपात एक अनुपात एक प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा टेस्ट क्रॉस क्या है, क्या है या पूर्व संकरण क्या कहलाता है। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा हुआ है कि जब F1 जनरेशन का संकरण उसके पेरेंट्स के साथ कराया जाता है तब इस प्रकार के संकरण को बैकक्रॉस कहते हैं। जब F1 जनरेशन का संकरण उसके पेरेंट्स के साथ कराया जाता है तब उसे बैकक्रॉस कहते हैं। यदि एक लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे के साथ कराया जाता है तब हमें संकर लंबा पौधा प्राप्त होता है, और जब इसी संकर लंबे पौधे का संकरण उसके प्रभावी जनक के साथ किया जाता है, अब देखिए यहां पर हमने क्या लिया है, पेरेंट्स के रूप में प्रभावी जनक के रूप में लिया हुआ है, जब इन दोनों का क्रॉस कराया जाता है तब ऐसी अवस्था में जो एफ2 जनरेशन है उस जनरेशन में सारे के सारे जो पौधे हैं वो प्रभावी लक्षण वाले उत्पन्न होते हैं। भाई जब टाल पौधे का संकर लंबे पौधे के साथ संकरण कराया जाता है, शुद्ध लंबे पौधे के साथ संकरण कराया जाता है तो 50% जो है वो कैसे होते हैं, शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, जबकि 50% कैसे होते हैं, संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये पूरा का पूरे लक्षण कैसे हैं, प्रभावी लक्षण वाले जन है। वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं तो जब F1 जनरेशन का संकरण उसके अप्रभावी जनक के साथ किया जाता है तब ऐसी अवस्था में जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं वह परिणाम 50% प्रभावी लक्षण वाले और 50% जो है अप्रभावी लक्षण वाले संतान प्राप्त होती है। दोस्तों इन दोनों ही प्रकार के जो संकरण है इनको हम बैकक्रॉस कहते हैं, और बैकक्रॉस का जो उपयोग है नई संतियों के उत्पन्न करने में किया जाता है, नई संतान उत्पन्न करने में किया जाता है, साथ ही रोग प्रतिरोधी किस्मों के विकास में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब एक छोटा सा प्रश्न को और हल कर लें, और वो प्रश्न है रेसिप्रोकल क्रॉस या व्यतिक्रम संकरण किसे कहते हैं। भाई ऐसा संकरण जिसमें जनक बदल दिए जाते हैं, इस प्रकार का जो संकरण है वो रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब है, यहां एग्जाम्पल को देखें, मान के चलिए आपने एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे के बीच में संकरण कराया, तो आपने क्या काम किया, एक पौधे को जो है वो फीमेल माना और एक पौधे को जो है आपने क्या मान लिया, इसे मेल मान लिया। भाई पहली बार जब आपने प्रयोग कराया तो क्या किया कि एक लंबे पौधे को आपने फीमेल माना, वहीं पर एक कहना चाहिए एक पौधे को क्या मान लिया आपने, मेल मान लिया। लेकिन जब सेकेंड टाइम आपने प्रयोग कराया तब आपने क्या काम किया, जिसे फीमेल माना था उसे मेल मान लिया और जिसे मेल माना था उसे फीमेल मान लिया। तब इस प्रकार का जो संकरण है यह संकरण रेसिप्रोकल क्रॉस या व्यतिक्रम संकरण कहलाता है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों तीनों चीजें आपको समझ में आई होगी। यदि ये तीनों चीजें समझ में आए, आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चे इसका फायदा ले सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।